फिर से स्वागत है आप सभी का टैली का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली में वर्कर रिपोर्ट किस तरीके से बनाते हैं, कौन से स्टेप हैं, वेजेस रिपोर्ट क्या होता है, इसे क्यों बनाते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, वो सभी स्टेप इस वीडियो में हम लोग बारीकी से डील करने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर है टैली में तो फिर भी आप इस वीडियो को देख के वर्कर रिपोर्ट टैली में बना सकते हैं, उसे प्रिंट कैसे करते हैं, बिल कैसे डाउनलोड करते हैं, सारी चीज इस वीडियो में होने वाले हैं। कौन कौन से लेजर बनाएंगे, कौन से ग्रुप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने सीधे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। सबसे पहले हम यहाँ से टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के लिए सिंपल हम लोग टैली को यहाँ पे सर्च करते हैं और क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। यहाँ से स्किप क्लिक करेंगे, हम लोग एक नया कंपनी को बना लेते हैं थोड़ा स्पीडली, क्योंकि हम लोग कंपनी बना यहाँ पे सीख चुके हैं। तो मैं बना लेता हूँ राम नाम से एक कंपनी। इंटर 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 करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग लेंगे अकाउंट ओनली और कंट्रोल ए से ऑल एक्सेप्ट। मेरा कंपनी बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ लेजर बनाएंगे। अब वो लेजर कौन कौन से बनाएंगे चलिए समझ जानते हैं। हम लोग सबसे पहले जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, ग्रुप और लेजर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, किस नाम से, वेजेस नाम। क्यों बनाएंगे, वेजेस या तो वर्कर नाम, क्योंकि सपोज कीजिए कि आपका एक कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। लेट सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे सारे वर्कर को पेमेंट करना होता है, तो हम एक ग्रुप बना देंगे वर्कर के नाम से, जिससे हमें पेमेंट करने में इजी होगी और सभी वर्कर का जो रिकॉर्ड होगा हमको एक ग्रुप के अंदर मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैनेजर का है तो एक मैनेजर का हम लोग ग्रुप बना लेंगे, वर्कर का है तो वर्कर का ग्रुप बना लेंगे, जिसके अंदर हमें एक कैटेगरी के अंदर, एक डिटेल्स के अंदर सभी इंफॉर्मेशन मिल रहे होंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप चलिए हम लोग वेजेस के नाम से बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेजेस पे कर रहे हैं वेजेस के नाम से। और अंडर में यहाँ पे हम लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वर्कर जो होता है, वेजेस जो होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डील कर लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वैसे एक्सपेंस होते हैं जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होते हैं या तो जो कंपलसरी खर्चे होते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, वैसे खर्चे जो प्रोडक्ट को सेल करने या सर्विस प्रोवाइड करने से रिलेटेड जो खर्चा होता है उसे हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो क्योंकि वर्कर है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि अगर आपके कंपनी में वर्कर नहीं है तो कोई भी काम होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसको लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंस हम ले चुके हैं, यहाँ पे सिंपल इंटर करते चलना है आपको और एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ से मेरा ग्रुप बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। एक बार और हम लोग यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे लेजर। लेजर किसका बनाएंगे, वर्कर का, जितने भी हमारे वर्कर होंगे मेरे कंपनी में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेजर में क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर दिखा होगा सिंगल लेजर क्रिएट और मल्टीपल लेजर क्रिएट। अगर हमें टैली में सिर्फ एक लेजर या दो लेजर बनाना हो तो हम सिंगल लेजर का प्रयोग करेंगे, और हम चाहते हैं एक साथ बहुत सारा, एक ही अंडर में बहुत सारे लेजर 100 200 बनाए या तो 10 20 बनाए, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल का यूज कर सकते थे। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल में जाएंगे और यहाँ पे सिंपल क्रिएट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है अंडर ग्रुप, अंडर ग्रुप में हम लोग लेंगे वेजेस। क्या लेंगे, वेजेस। यहाँ पे वेजेस सर्च करेंगे, यहाँ पे सामने वेजेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी वर्कर होंगे आपके कंपनी में, उन सभी वर्कर का आपको यहाँ पे एंट्री कर देना है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे राम। यहाँ कुछ भी आपको फिलअप नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे वेजेस लेते चला जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रुप बना चुके हैं, सीता हो गई, रिया हो गई। चलिए इस प्रकार से आपको ग्रुप बना लेना है जितने भी आपको वर्कर। हम यहाँ पे चार एग्जाम्पल लिए हैं, अब इंटर करना है और आपको सिंपल यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। मेरा ग्रुप भी बन चुका है टेली में और लेजर भी बन चुका है। अब वर्कर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस्केप की से बाहर चले जाएंगे और हम लोग जाएंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर। क्या जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। किसी भी पेमेंट या रिसीव करना हो, पेमेंट करना हो, परचेज करना हो, तो हम लोग अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। और हमको पेमेंट करना हो तो F5 प्रेस करेंगे। अभी मेरा विंडो किस में है, F5 में है, पेमेंट में है। अगर हमको रिसीव करना हो तो F6 करेंगे, तो मेरा यहाँ पे रिसीव का विंडो यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हमें पेमेंट करना है तो F5 से हम लोग यहाँ पे पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पेमेंट का विंडो आ चुका है। अब यहाँ पे अकाउंट में या तो हम लोग कैश से पेमेंट कर सकते हैं या तो बैंक से, दो ही ऑप्शन मेरे पास रहता है। अभी हम लोग यहाँ पे कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट में लेंगे कैश। अब पार्टिकुलर का जो हिंदी होता है विवरण, मतलब किसको पेमेंट कर रहे हैं या तो किस लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग किसको पेमेंट कर रहे हैं, जो हमारे वर्कर है, तो वर्कर का नाम क्या था, हम लिखे थे राम, तो राम लिख लिए। अब अमाउंट कितना देना है, तो अमाउंट मान लीजिए हमें 15,000 देना है राम को, इंटर करना है, इंटर करना है, इंटर इंटर एक्सेप्ट, ये राम का हो गया। फिर से मान लीजिए हम कैश लिए यहाँ से, और मान लीजिए हम यहाँ से सीता को पेमेंट किए, सीता को मान लीजिए 20,000 देते हैं वर्कर रिपोर्ट, इंटर की। उसी तरह हम सारा वर्कर को यहाँ पे एक एक करके क्या करेंगे, यहाँ पे
पेमेंट कर लेंगे, जैसे कि रिया हो गई, रिया को मान लीजिए हम 10,000 वेजेस देते हैं। इस तरीके से आर्क आपको एक्सेप्ट करते जाना है, और जितने भी वर्कर आपके यहाँ पे हैं सभी को आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है। अब हम लोग यहाँ पे श्याम को पेमेंट करेंगे, इसका सैलरी मान लीजिए वेजेस है 25,000 है। इंटर इंटर और एक्सेप्ट, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा कि सारा आपको वर्कर का पेमेंट इस तरीके से कर लेना है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, स्केप की से बाहर आ जाना है। अब हमें देखना है कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारे कंपनी में। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ऑप्शन में जाएंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा, सिंपल यहाँ पे इंटर करेंगे तो मेरे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का विंडो खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से जितना भी आपका लॉस हुआ है, मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है 70,000। अब हमें जानना है कि ये लॉस किस वजह से हुआ है, किन किन खर्चों से हुआ है। तो इसके ऊपर एक और हम लोग यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक वेजेस के नाम से यहाँ पे खुल जाएगा। दिख रहा है आपको वेजेस के नाम से यहाँ पे 70,000 खर्चा हुआ है। अब वेजेस में किसको हम पैसा दिए हैं, किसको पेमेंट किए हैं, वो कौन लोग हैं, अगर हमें ये जानना, तो एक बार हम लोग और इंटर करेंगे तो जिसको जिसको हम पेमेंट दिए हैं वो सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें कुछ एडिट करना हो तो एक बार और इंटर प्रेस करेंगे, एक बार और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से पेमेंट बहुत जल्द खुल जाएगा। आप यहाँ से कुछ भी एडिट अभी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो आप सभी को ये टॉपिक मुझे यकीन है कि क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के बारे में आपका पूरा 100% दिया हूँ। अगर अभी भी आपको कोई टॉपिक किसी भी टर्म में समझने में दिक्कत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमें समझने में टॉपिक में दिक्कत है, मेंशन करें। और अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए आप वो भी कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।